नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24/7। न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूंगा वाली अशोकनगर में भी बना शाहीन बाग। एक तरफ दिल्ली अभी एक आग से निकली नहीं, वहीं मध्य प्रदेश के अशोकनगर में बना दिया शाहीन बाग जैसा माहौल। क्या यह प्रदर्शन देश हित के लिए या CAA NRC को खत्म करने का तरीका हो सकता है? कभी कश्मीरी पंडितों के लिए आज तक नहीं की गई ऐसी कोई वकालत, क्या एक कौम को बचाने के लिए किया जा रहा है शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन? हम इस्तकबाल करते हैं, हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये कानून हमारे देश के आईन के खिलाफ है, ये कानून हमारे देश के संविधान के खिलाफ है। बाबा साहब का संविधान अनुच्छेद 14 हमारे मुल्क में मजहब की बुनियाद पर कोई भी कानून थोपने का नहीं बोलती है। मजहब की बुनियाद पर हमारे देश के अंदर कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरीके के कानूनों को आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कानून देख रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत बढ़ रही है, जिससे हमारे मुल्क का अमन और अमान खतरे में पड़ जाए, ऐसे कानून को तो साफ आपको वापस लेना पड़ेगी। ये ऐसा कानून है जिससे हमारी माँ बहनें आज सड़कों पर बैठी हैं। देश में 70 साल बाद आजादी के इतना बड़ा जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो इस काले कानून का चल रहा है। भाई, जब कोई सरकार कानून बनाती है तो उसके पक्ष में कोई प्रदर्शन नहीं करती, लेकिन आपने गलत बनाया है, जो जगह जगह आप उसके पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं। सच तो ये है कि ये कानून हमारे देश के आईन के खिलाफ में है। मैं एक बार सब लोगों को फिर एक बार दोहराना चाहूँगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हम हिंदू भाइयों का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं इस देश के आईन में जो जिस तरीके का आप बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं।